हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल सपोर्ट आशीष में स्वागत है। आज की वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे हाथ में बोया का बाई वन एम वन माइक है, तो आज की वीडियो में हम बोया बाई एम वन माइक का अनबॉक्सिंग करेंगे और डिटेल में आपको बताएंगे कि ये बोया बाई एम वन माइक आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आप बॉक्स पे ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे बोया की जो है ब्रांडिंग आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा BY-M1 और यहाँ पे कुछ लुक दिया हुआ है कि कुछ इस तरह का यह माइक देखने को आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपेटेबल विद मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कैमरा, ETC, इन सब में आप इस माइक को आप यूज कर सकते हो, कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं इसके बैक साइड की, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा BY-M1 और यहाँ पे भी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा पीछे की तरफ इसके कुछ फीचर्स के बारे में दिए गए हुए हैं जिसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ इसके और स्पेसिफिकेशन और यहाँ पे कंपनी का कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिटेल वगैरह इस बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए बॉक्स को खोलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये माइक किस प्रकार का है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल टेक्निकल सपोर्ट आशीष को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले बॉक्स में से निकालने के बाद ये हमको एक पाउच के अंदर माइक मिलता है। पाउच के ऊपर भी आपको बोया की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी और पाउच की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो अब इसमें से हम प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमको माइक से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट मिल जाता है, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी इसको हम साइड में रख देते हैं और अभी हम अपने मेन प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा माइक है। तो चलिए हम माइक को आपको दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बोया का BY-M1 माइक है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और यह एक कॉलर माइक भी है, आप देख सकते हैं। और जो केबल है, केबल की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे आपको माइक का जो है वह 3.5 mm वाला माइक देखने को मिल जाएगा, जैक वाला। इसके अलावा केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसकी जो लेंथ है यह काफ़ी लंबी है, आप इसको अच्छे से कहीं भी यूज कर सकते हैं और किसी भी तरह की वीडियो में आप इस माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इस यहाँ पे आपको इसमें मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। यदि आप इसको कैमरे वगैरह में, DSLR वगैरह में यूज करते हैं तो इसके अंदर खोल के इसमें एक सील डालने का ऑप्शन भी आता है। ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, मैं आपको यहाँ पर ये खोल के दिखा देता हूँ। देखिए ऐसे ये खुल जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेल डालने का इसमें ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे सेल लगा के फिर इसको हम DSLR कैमरे में इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको मैं लॉक करता हूँ। तो केबल की लंबाई भी काफ़ी लंबी चौड़ी है और देख सकते हैं आप, और इस साइड में आपको माइक का जो मेन है वो यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। तो केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इस माइक को, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप कैमरा में, DSLR कैमरे में, लैपटॉप में, टैबलेट में, मोबाइल फ़ोन में, कहीं भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और ये आपको बोया कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि इस माइक के साथ हमें जो और प्रोडक्ट मिला है वो क्या क्या है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पन्नी को मैं ओपन करता हूं और सबसे पहले यहां पे आपको एक जैक देखने को मिल रहा है जो कि कैमरे में, DSLR में ये यूज होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये DSLR में यूज होता है। इसके अलावा जो हमें प्रोडक्ट मिला है वो मैं आपको दिखाता हूं, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ देखने को मिल रही है। यहाँ पर भी आपको, मैं इसको रिमूव करता हूँ, काफ़ी अच्छी पैकिंग करके भेजी गई है। यहाँ पे आपको
एक कॉलर में माइक को सेट करने वाला मिल रहा है, जिसमें आप ये कहीं भी शर्ट वगैरह में इसको लॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो माइक है वो यहाँ पे सेट हो जाएगा, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो चलिए इसको भी हम साइड में रखते हैं और आपको आगे का दिखाते हैं। और इसके साथ माइक के साथ जो मिला है वो सबसे मेन प्रोडक्ट जो मिला है वो ये है, जो कि माइक में यूज होता है, जिससे कि जो नॉइज है वो ना आए। तो वो चीज़ ये चीज़ हम इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो जैसा कि ये यहाँ पे सेट हो जाएगी आप देख सकते हैं। तो मैं आपको अब फाइनली बता देता हूँ कि ये बोया का BY-M1 जो माइक है ये हमको फ्लिपकार्ट से 742 रुपये में ऑफ़र के तहत मिला है। यदि नॉर्मल प्राइस इसका आप देखेंगे तो फ्लिपकार्ट पे लगभग 800 रुपये, 777 रुपये इस तरह के प्राइस में देखने को मिलेगा, बट हमने ऑफ़र के तहत परचेज किया है तो ये हमको 742 रुपये में फ़्लिपकार्ट से मिला है। यदि आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है और आप एक बिगनर यूट्यूबर हैं या आप कोई वेबसाइट वगैरह पे काम करते हैं और आपको माइक की ज़रूरत है, तो आप बोया का BY-M1 माइक को परचेज कर सकते हैं। आपको फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है। इसके अलावा आप चाहें तो अमेजोन वगैरह से भी इसको प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। यूट्यूबरों के लिए एक अच्छी क्वालिटी के लिए माइक बहुत ही अच्छा है, सबसे बेस्ट है बोया का BY-M1 माइक। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है और इसको आप लगभग हर चीज़ में यूज कर सकते हैं, मोबाइल में, टैबलेट में, लैपटॉप में और पीसी वगैरह में भी इस माइक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, DSLR वगैरह में। तो इसकी इनबिल्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसके केबल की लंबाई भी काफ़ी लंबी चौड़ी है। आपको हर तरह की टेक्नोलॉजी, कॉमेडी, किसी शूटिंग वगैरह के वीडियो में भी आपको काफ़ी क्वालिटी इसकी अच्छी है, तो आपको काफ़ी यूज करने में अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों आपको मैंने आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग करके दिखाया बोया BY-M1 माइक। अब थोड़ा और इसके बॉक्स के ऊपर जो इसकी डिटेल है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बैक साइड में जो स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्लिप ऑन माइक फॉर स्मार्टफोन, DSLR, कैमकॉर्डर, ऑडियो रिकॉर्ड वगैरह, PC-88। यानी आप किसी भी प्रकार के साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए इस माइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपको इसमें कंडेंसर माइक्रोफोन भी दिया हुआ है। हाई क्वालिटी कंडेंसर इज आइडल फॉर वीडियो यूज, लो हैंडिंग नॉइज, यानी आपकी जो आसपास की नॉइज है उसको कम करने में भी ये माइक मदद करता है। इसके अलावा नीचे स्पीकेशन वगैरह दिया हुआ है, इसकी बैटरी वगैरह हर चीज़, इसका वेट वगैरह कितना है सब कुछ यहाँ पर आपको शो किया गया है। और कुछ खास इसमें नहीं है, जो कुछ था वो मैंने आपको इसमें बता दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल टेक्निकल सपोर्ट आसिस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।